सर बहुत मुश्किल आ रही है, कोई वाइट लाइन नहीं है रोड पे, कोई सरकार को चाहिए एलिफाइटर वगैरह लाइटें वगैरह लगी हो कि गाड़ी खड़ी होती है गाड़ी लग जाती है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम आती है। 4 घंटे का सफर, 8 घंटा लगता है, सवारी भी बहुत घट है, कितनी दूर पड़ी हुई है, बहुत ज्यादा दूर है सर। तो क्या नुकसान होता है, चलाने में दिक्कत क्या आती है? बहुत दिक्कत आती है, लाइन के बगैर चलाना गाड़ी बहुत मुश्किल है, रास्ते में वाहन छोटे खड़े होते हैं जो लाइट नहीं होती जिनके ऊपर, बहुत ज़्यादा बहुत दिक्कत है। ट्रेन वगैरह चल नहीं रही तो हमें तो ऑफिशियल काम के लिए जाना पड़ रहा है बाहर, ज़रूरी काम के लिए इसलिए निकल रहे हैं, अदरवाइज़ तो निकले भी ना हम, इतनी ज़्यादा फोग है यहाँ पे। क्या दिक्कत क्या आ रही है बसेस की? 4 घंटे की जहाँ लगते हैं 4 घंटे, वहाँ 6 घंटे में पहुँचेगी बस, ये दिक्कत है, काफ़ी दिक्कत है, रिस्की भी है। मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, क्या काम करते हो? मैं पंजाब रोडवेज पनवाच ड्राइवर। अमृतसर में कितना धुंध पड़ रहा है, क्या क्या मुश्किल आ रही गाड़ी चलाने में? सर बहुत धुंध पै रही है, ये दिसदा कुछ नहीं, एक तो सवारी बहुत घट है, तो जिथे सानू 1 घंटा लगता उत्थे सानू 1.5 घंटा लगता पिया, तो रोड के उपर माड़ा मोटा भी कि नवा रोड बनिया तो उत्थे चिट्टी लाइट है नहीं, तो उत्थे चिट्टी लाइट से पता नहीं लगता, बगैर चिट्टी लाइट तो गड्डी डिवाइडर तो बजन का खतरा रहा। सरकार नू चाहिए भी जिहड़ियां हुण नवे रोड बनते पे उहदे चिट्टियां लाइनां लाइया जाण, तो अपने ड्राइवर वीर भरावां नू आ बेनती की जाती भी लाइटा जगा के रखो, फॉग लाइटा जगाओ, जे ना अगले नू भी पता लगे तो अपने भी जान सौखी रहे।